ये जो लफ्ज़ है रिलैप्स, इसको उर्दू में इर्तदाद कहते हैं। इर्तदाद का लफ्ज़ मुर्तद से है, और आपको पता है मुर्तद क्या होता है? जो ईमान ला के फिर जाता है। तो जब एक दफ़ा कोई सोचता है कि नहीं, मैंने अब नशे को खुदा नहीं मानना, मैंने खुदा को खुदा मानना है, और उसके बाद चंद दिन बाद कोई यार कहते हैं यार इसको ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं यार खुदा को बाद में देखेंगे, पहले इसको ट्राई करते हैं। तो समझे कि इर्तदाद हो गया, समझे कि मुर्तद हो गया। तो ईमान जैसी ताकत को पहले खोना और फिर पाके खोना, ये एक और नया हम अपने साथ करते हैं। ईमान बदलने की बात है कि नशे के बगैर हम कहीं ज़्यादा खुश होंगे, कहीं ज़्यादा बेखौफ होंगे, और कहीं ज़्यादा इत्मीनान से भरे होंगे। जब ये ईमान आ जाएगा, क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी, कंपेटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगी, मुकाबलेबाजी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने राइट्स को फिर भी असर्ट करेंगे, लेकिन आप दूसरों के मुकाबले में कोई ज़िंदगी खड़ी नहीं करेंगे। आप अपने अंदर से ऐसे एक्सेल करेंगे, ग्रो करेंगे, जैसे कि बेकिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें आप डो रखते हैं बेकर में, और थोड़ी देर के बाद वो अंदर से उभरना शुरू होता है और सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। पर्सनल एक्सीलेंस ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू फैलती है। कंपेटिटिवनेस ऐसी चीज़ है जिसमें से हर दो में से एक नाराज़ होता है। कोई भी, कल देखे क्रिकेट मैच हुआ, सारे पाकिस्तानी नाराज़ हो गए, सारे हिंदुस्तानी खुश हो गए। कंपेटिटिवनेस में यही कुछ होता है। लेकिन अगर हम गेम को एंजॉय करते तो क्या होता? हम गेम को एंजॉय नहीं करते। तो अंदर की कैफियत को समझें। जब आप चीज़ों को एंजॉय करने लगें, नो मैटर यू लूज और यू विन, जब आपको ये पता हो कि आप विन लूज में बिलीव ही नहीं करते, आप विन विन में बिलीव करते हैं, और जब लोगों को ये बात समझ आ जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर सकती है, सुधर सकती है। बट इट टेक्स टाइम, में बहुत वक्त लगता है। अगर फोकस करें तो ये एक दिन ज़रूर होके रहेगा। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पल्सिविटी बजाते खुद एक एडिक्टिव बिहेवियर है, जैसे कंपेटिटिवनेस एक एडिक्टिव बिहेवियर है, इसी तरह इम्पल्सिविटी, इम्पल्स, इसी तरह सेलियंसी, किसी चीज़ का फौरन अहमियत इख्तियार कर जाना, सेलियंसी, ये भी एक एडिक्टिव बिहेवियर है। इसी तरह अवॉइडेंस, अपनी जिम्मेदारियों से फरार, गुस्से का इस्तेमाल मैनेजमेंट में, रेपिटेशन करना, एक बुरा फिक्रा इजाद कर लेना, तख्लीक कर लेना, और अपने किसी फैमिली मेंबर पे उसको थ्रो करी जाना, थ्रो करी जाना, थ्रो करी जाना, ये जो बात है ये एडिक्टिव बिहेवियर है। कि हम एग्रेशन को बतौर मैनेजमेंट टूल यूज़ करें, होस्टिलिटी को बतौर मैनेजमेंट टूल यूज़ करें, चंद चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो है कि बी वेरी रेलेवेंट, कि जो बात है रेलेवेंट बस वो कर दें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, लूज टॉक ना करें, बस जो असल बात है वो कर दें और ख़ामोश हो जाएं।